आइए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। यूपी स्कॉलरशिप 2019-20 के लिए यदि आपने आवेदन किया है तो आप कैसे पता करें कि हमारी 2 अक्टूबर की स्कॉलरशिप आई है कि नहीं आई। तो दोस्तों, पहले हम गूगल पे जाते हैं। गूगल पे दोस्तों हम गए और गूगल पे हमने सर्च किया PFMS। तो इस साइट पे हम जाएंगे और साइट को सर्च करेंगे, फिर पहले लिखा होगा यहाँ पे दोस्तों PFMS, उसके बाद लिखा है नाउ योर पेमेंट, फिर PFMS लॉगिन सेंट्रल प्लान स्कीम लिंक्स नाउ योर पेमेंट्स। तो पहले हम नाउ योर पेमेंट पर जाएंगे। नाउ योर पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो कुछ हमारे सामने ऐसे खुलेगा, जहाँ पर पहला होगा बैंक, फिर दूसरा होगा बैंक अकाउंट नंबर, फिर तीसरा होगा इंटर कन्फर्म अकाउंट नंबर, फिर आपको वर्ल्ड वेरिफिकेशन डालना है जो कि ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम बैंक अकाउंट, कोई भी अपना बैंक अकाउंट सर्च कर लेता हूँ, मैं अपना डालता हूँ। तो मैं अपना डाल रहा हूँ विजया बैंक। तो मेरा सर्च हो गया विजया बैंक। अब अपना अकाउंट नंबर डालता हूँ 64 0 12 41 39। तो जैसा कि मैंने अकाउंट नंबर अपना डाला, फिर पूछ रहा इंटर कन्फर्म अकाउंट नंबर, तो अपना इंटर कन्फर्म अकाउंट नंबर डालना है यहाँ पे। तो फिर मैं डालता हूँ दोबारा वही जो ऊपर डाला मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर। तो जैसा कि मैंने कन्फर्म अकाउंट नंबर भी डाल दिया, अब हमें यहाँ पर डालना होगा वेरिफिकेशन कोड। तो अपना वेरिफिकेशन कोड डालता हूँ, तो यहाँ पे स्माल में ई है, तो पहले हम स्माल में ई डालेंगे, उसके बाद स्माल में डी है, स्माल में डी डालेंगे, उसके बाद 81 और 87 हम संख्या में डालेंगे। 81 हो गया, फिर 87 हो गया। अब यहाँ पर सर्च लिखा हुआ है, जहाँ पर सर्च हम करेंगे, यहाँ पे दोस्तों कुछ हमारे सामने ऐसे खुल के आ जाता है, जैसा कि नाम है विजया बैंक, नाम सुषमा, अकाउंट नंबर ये रहा, और दोस्तों प्रपोज हो गया ये हमारा, एजेंसी नेम ये हो गया, URT बैंक ट्रांजेक्शन ये हो गया, फेलियर रीजन, अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन ID हो गया, अब नाम ये हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों अमाउंट 3000 रुपये, स्टेटस सक्सेस। उसके बाद क्रेडिट डेट, दोस्तों ये हमारे पिछले साल का दिखा रहा है कि पिछले साल आपकी स्कॉलरशिप 2019 में जनवरी 2019 में आई थी। तो दोस्तों इस साल की अभी नहीं आई, हो सकता है कि इसी जनवरी में ही मेरी आई, तो अब मुझे इंतज़ार करना होगा। आप इसी तरीके से चेक करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर खबर आप तक लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों अब